हरियाणा विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी जीत हासिल करने के लिए पूरी जी जान लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपना चौधरी ने ऐसा फैसला लिया है जो बीजेपी की बेचैनी बढ़ा रहा है। यहां तक कि वो पीएम मोदी से लेकर शाह और खट्टर की मेहनत पर भी पानी फेर सकता है। तो क्या है सपना का ऐलान और उससे क्यों है बीजेपी परेशान, आइए देखते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जब सपना चौधरी कांग्रेस की बजाय भगवाधारी बन गईं, तो बीजेपी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन अब हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सपना के साथ से खुश होने की बजाय उन पर बरस रही है, क्योंकि वो कमल का प्रचार करने के साथ साथ विरोधी दल का भी गुणगान कर रही है। जी हाँ, सपना चौधरी विरोधी उम्मीदवार और हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता गोपाल कांडा के लिए चुनाव प्रचार करने जा रही है। उनका एक वीडियो मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रही हैं कि वो गोपाल कांडा और उनके भाई के लिए प्रचार करने सिरसा आ रही हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा लोकहित पार्टी ने भी पोस्टर ट्विटर पर शेयर किया है, जिस पर लिखा है, सिरसा से हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रत्याशी गोपाल कांडा जी के समर्थन और प्रचार के लिए हमेशा से उनके दोस्त और साथी रहे पंजाबी गायक मीका सिंह और सपना चौधरी दिनांक 19 अक्टूबर को आ रहे हैं। इस पोस्टर ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है, इसलिए सपना के फैसले से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। सूत्रों की माने तो हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेता अब सपना चौधरी की आला कमान से शिकायत करने वाले हैं। अब आला कमान क्या फैसला लेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सपना के विरोधी खेमे के प्रचार की वजह उनकी नाराजगी बताई जा रही है। दरअसल जब लोकसभा चुनाव से पहले सपना चौधरी ने बीजेपी का दामन थामा, तो माना जा रहा था कि पार्टी उन्हें दिल्ली या हरियाणा की किसी सीट से उम्मीदवार बना सकती है। लोकसभा चुनाव में उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाए जाने के बाद ऐसा लगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन उन्हें कहीं से भी टिकट नहीं दिया गया। जबकि ऐसे वक्त पर पार्टी में शामिल हुए कई खिलाड़ियों को पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया। सीट के बंटवारे ने ही सपना को बीजेपी से दूर कर विरोधियों के पास कर दिया है, जिससे बीजेपी तमतमा उठी है। ऐसे में अब देखना होगा कि सपना का ये प्रचार बीजेपी पर कितना भारी पड़ता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।